1960 पहली मई को आज से 51 वर्ष पूर्व गुजरात ने स्वतंत्र रूप से अपनी विकास यात्रा को आरंभ किया था। गुजरात के आज के स्थापना दिवस पर गुजरात 52वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। राज्य में अनेकविध कार्यक्रमों के साथ साथ अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक नेशनल बुक फेयर की जो योजना की है उसके लिए मैं कॉरपोरेशन को बधाई देता हूं और मैं आशा करता हूं कि हमारी युवा पीढ़ी इसका सर्वाधिक लाभ लें। वांचे गुजरात अभियान को एक बहुत अभूतपूर्व सफलता मिली थी, उसको आगे बढ़ाने की दिशा में एक परमानेंट फीचर के रूप में प्रतिवर्ष 1 मई से 7 मई तक हम इस बुक फेयर को करने वाले हैं, ताकि गुजरात के साहित्यिक जगत के लोगों को, वाचकों को, प्रकाशकों को समाज के साथ निकट से संपर्क संवाद करने का अवसर मिले। मैं आज के इस अवसर पर उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज गुजरात का स्थापना दिवस का राज्य स्तर का कार्यक्रम आदिवासी बस्ती के बीच में दाहोद में हमने करना तय किया है और आज दाहोद में वहाँ की जनजातीय संस्कृति के साथ मिलकर के इस उत्सव को मनाने के लिए गुजरात आगे बढ़ रहा है। गुजरात ने विकास में अपनी एक पहचान बना दी है। 21वीं सदी का पहला दशक बहुत ही कठिनाइयों से भरा रहा। 2001 में भयंकर भूकंप से हमने हमारी यात्रा को आरंभ किया था। हमने साइक्लोन झेला, हमने अकाल झेला, बैंकिंग क्षेत्र के स्कैम की परेशानी आई और लोगों को लगता था कि अब गुजरात बच नहीं सकता, गुजरात डूब जाएगा, गुजरात ख़त्म हो जाएगा। लेकिन 21वीं सदी के इस पहले दशक में इन सारे संकटों के बावजूद भी पूरा हिंदुस्तान गर्व करें और विकास की दुनिया में गुजरात को सिरमौर बनाने में सभी गुजरातियों ने बहुत बड़ा योगदान किया है। आज गुजरात के स्थापना दिवस पर मैं 6 करोड़ गुजरातियों को अंतःकरणपूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूँ और विश्व भर में फैले हुए मेरे गुजराती भाइयों को और गुजरात को प्रेम करने वाले सभी महानुभावों को अंतःकरण से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।